हेलो एवरीवन। सो सीमैट एग्जाम इज फाइनली डन एंड नाउ इट्स द बेस्ट पार्ट बिकॉज अब सिर्फ सीईटी बची है अपने पास। सो अब जो भी था कैट स्नैप एनमैट जो भी डिस्ट्रैक्शंस थे सारे चले गए। यू ऑलरेडी नो दैट तुम्हारा सीमैट कैसा गया। आई वोंट से दैट सीमैट वाज गुड सीमैट वाज बैड, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी स्टूडेंट। बट नाउ वी हैव ओनली द लास्ट 75 डेज टू एमबीए सीईटी। अब तुम्हारे पास और कोई एग्जाम नहीं है। यू कैन लिटरली डेडिकेट योर एंटायर टाइम योर एंटायर एफर्ट टू ओनली सीईटी। अब तुम्हारा कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई टुडे आई एम मेकिंग द वीडियो दैट विल टेल यू लिटरली द फाइव बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट एवरी स्टूडेंट मेक्स। एंड बाय एवरी आई मीन आई एम स्टीरियोटाइपिंग एवरी बिकॉज वेल लेट्स बी ऑनेस्ट 1,10,000 स्टूडेंट्स में से सिर्फ 100-150 स्टूडेंट्स जाते हैं जेबीआईएमएस में। सो यू विल बी इन द 0.01% कैटेगरी इफ यू आर गेटिंग टू जेबीआईएमएस। दैट मीन्स 99.99% पीपल आर डूइंग दिस रॉन्ग। दैट इज अ ह्यूज नंबर। यू मस्ट अंडरस्टैंड क्यों लोग गलत है एंड यू विल नॉट इफ यू आर नॉट डूइंग दैट देन ट्रस्ट मी यू विल बी इन द 99.99% कैटेगरी एंड यू विल बी एट जेबीआईएमएस। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट आर द मिस्टेक्स दैट मोस्ट स्टूडेंट्स मेक। यप। सो द फर्स्ट एंड द बिगेस्ट मिस्टेक इज रनिंग आउट ऑफ टाइम। एंड बाय रनिंग आउट ऑफ टाइम आई मीन व्हेन यू आर टेकिंग मॉक्स। तुम्हें क्या लगता है पता है दैट 150 अबाउट 150 मिनट्स का मेरा टोटल मॉक है। आई विल सॉल्व इट टिल द 150th मिनट एंड मेरा स्ट्रैटेजी मैं उसी हिसाब से सेट करूंगा दैट मैं ये करके जाऊंगा। अ फिक्स्ड स्ट्रैटेजी इज अ रॉन्ग थिंग टू डू। यू मस्ट नो दैट यू विल रन आउट ऑफ टाइम इन द एक्चुअल सीईटी बिकॉज अगर तुम 150 मिनट्स तक अपने घर पे एग्जाम दे रहे हो सीईटी में यू विल बी मच मोर स्ट्रेस्ड। सीईटी में काफी सारा प्रेशर होगा। सीईटी में और डिफिकल्टी आएगी बिकॉज तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी लगेगी। So you must understand this is not going to work out. You have to have a different strategy for the end CET day and your CET ka mock. These both have to be different and CET ka mock us hisab se dena that you will be able to handle the CET ka stress that day. So that is why your CET ka strategy of taking the mock is different. You must have a different strategy for each and every mock. Not each and every, har teen mock ki alag strategy rakho based on how the paper will be, based on how will you approach the paper. So make sure that if you are running out of time, you guys are handling how and why are you running out of time? What is it that is wrong in your strategy that is making you run out of time? Tum run out of time tabhi karte ho jab tumhari galat strategy hoti hai. You must have an impeccable strategy. Okay? Now the second one. And this probably is the biggest thing that most people do. They follow the wrong mentor. And I'm not saying that any teacher is bad. Koi teacher kharab nahi hai. But the thing is that जिसको जो सीखना है उस हिसाब से टीचर चाहिए। नाउ अंडरस्टैंड देयर माइट बी आई नो अमेजिंग टीचर्स हु आर वेरी 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 गुड एकेडमिशियंस जो खुद लेके आते हैं बट मेनी ऑफ देम डोंट नो हाउ टू टीच प्रॉपरली। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स द वर्स्ट पार्ट इज दैट अगर मैं मेरे लेक्चर में एक साथ 300-400 स्टूडेंट्स रख रहा हूँ मैं एक भी स्टूडेंट पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। लेट्स बी ऑनेस्ट आई विल नॉट बी पेइंग अटेंशन टू एनी स्टूडेंट बिकॉज फॉर मी इट्स अ बिजनेस। So that is not how a teacher should treat you. You should know a mentor should give you personalized attention. Tumhe wo mangne aana chahiye. You have paid the fees, no matter what person you are with, you have paid the fees. You should know that मैं इसे मांगूंगा सर मुझे एक प्लान दीजिए मुझे एक टाइम टेबल दीजिए सर मेरा ये प्रॉब्लम आ रहा है हाउ डू आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम सर इफ आई वॉन्ट प्रैक्टिस मटीरियल फॉर दिस मुझे कहां से मिलेगा। एवरीथिंग यू मस्ट बी एबल टू डू एंड दैट इज वाई आई इन माई कोर्स आई मेक श्योर दैट एवरी स्टूडेंट हैज अ टाइम टेबल। Every student gets one-to-one sessions. And on top of that, the best thing of all, we have a very, very, very good way of analyzing where you are going right and where you are going wrong. Tumhara daily analysis hota hai. Every day you have to analyze how you are going right and how you are going wrong. That is what really helps you understand what is happening with you. So you get a personalized attention. You are not a part of a crowd. You are not a goat. You are basically a student and we treat you like one. So yeah. And because also, ab finally sir CET hi bacha hai. I have this coupon code that you guys can try. This is the last coupon code that I'm giving. Iske baad, guys, aur kuch nahi aane wala. This is the last thing that I can literally afford to do. So this is only till the 15th of April. You can use the coupon code only CET. And join all our full packages. जो भी live lectures है, everything सब कुछ इसमें included है. Live lectures, books, mocks, everything included. So you'll get ₹1,000 off on any package that you want. Just use the code only CET because now we have only CET left. Yeah.
एंड इन दैट वंस यू जॉइन द फर्स्ट लेक्चर दैट वी विल हैव, पहले लेक्चर के बाद आई विल पर्सनली मेक श्योर दैट हर स्टूडेंट का एक काउंसलिंग होता है एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और वो सब डिस्कस करेंगे. सो क्योंकि तुम्हारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबसे अलग होता है, हम पहले ही लेक्चर में ये करेंगे. आई विल मेक श्योर दैट यू हैव अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी. आई विल मेक श्योर दैट ईच एंड एवरी स्टूडेंट गेट्स अ डिफरेंट वे ऑफ अ डिफरेंट अप्रोच एंड द अप्रोच दैट इज राइट फॉर हिम और हर. सो दैट इज समथिंग दैट आई एम गोना डू. सो फॉलोइंग द राइट मेंटर इज अ गुड थिंग. टेकिंग टू मच स्ट्रेस, अब समझो गाइज स्ट्रेस क्यों आता है. नाउ टेकिंग टू मच स्ट्रेस, I'm not saying that तुम स्ट्रेस ले रहे हो इसलिए तुम गलत हो. तुम्हें स्ट्रेस क्यों आ रहा है, टारगेट दैट. Why is the stress wrong and why is the stress coming? Stress comes because time is less. इसलिए तुम्हारा स्कोर कम आ रहा है. But there are students who with the same time are scoring more. Now I myself have students who are scoring 135 plus also. 130, 135, 140 plus bhi aa raha hai logo ko. So you must know, wo log kuch to sahi kar rahe hai na, wo log kuch to sahi kar rahe hai, jo tum nahi kar rahe. You must understand, stress lena galat baat hai. Agar tum sirf stress le rahe ho, you should target the reason why the stress is coming and why the stress is coming is that you are solving slow. And is it that you don't know how to solve it? Nahi, tumhe pata hai kaise solve karna hai, but tum galat tarike se solve karte ho. To wrong methods. Wrong methods of solving are the biggest reason for stress that all students face. And I'm telling this because I was the same. Main khud zyada stress leta tha. When I took the CET four times, I was so stressed. But in the fourth attempt, I realized that mera stress lene ka reason hi galat tha. Once I targeted that reason, I was done. The wrong methods, and that means you don't know where, you don't know how to analyze. Analyze in the right way. And you will be the king of your preparation. Know how to analyze, know why you are facing stress, and accordingly target that stress. So I'll tell you how to make sure that you know where you are going wrong. And ek baar tumhe wo pata hai, baad mein tum wo problem mujhe aake bolo that sir mujhe idhar problem hai. I'll give you the exact solution for that issue. Tumhe sirf wo follow karna hai, and that will, trust me, really boost your scores very, very, very fast. So taking too much stress is a very, very wrong thing. Taking stress is wrong. Taking stress is fine. Not solving that stress is wrong. So yes, don't do something about the stress that you are facing. Take it in a positive way. Skipping a section. Oh my God, I can't tell you. I have gotten so many calls from students. Sir, mera English bahut galat hai, to mujhe baki teen mein se mujhe JBMS mil jaye kya? Okay, now let me explain this. Most of the times it's only English or quants. Matlab ya to English skip kar rahe ya fir quants skip kar rahe. English 50 marks ka hai, quants 50 marks. मार्क्स का है, तो बाकी तुम्हारे पास 150 मार्क्स बचे. आर यू श्योर तुम्हें 150 मार्क्स आएंगे? बिकॉज जेबीआईएमएस के लिए सेफ स्कोर इज 150. चलो 140 ले लो, 140 प्लस. आर यू श्योर तुम्हें 150 में से 140 प्लस आएंगे? दैट मींस द वर्स्ट दैट यू कैन सॉल्व, तुम एक ही चीज गलत कर सकते हो, दैट वन पजल तुम गलत कर सकते हो, पांच क्वेश्चन तुम्हारे गलत हो सकते हैं, या फिर एक डीआई एंड पांच क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, दैट्स इट. अब इसमें तो इसे तो गिन लो, 25 में से तुम्हारे पांच जितने मार्क्स तो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट में ही गलत होते हैं. तो बाकी तुम्हें लग रहा है दैट क्रिटिकल रीजनिंग, क्वांट्स, क्वांट्स का टेक्निकल, डेटा सफिशिएंसी एंड एलआर का पजल्स. अगर तुमने इंग्लिश छोड़ा है तो ये, अगर तुमने वर्बल हाँ, अगर तुमने क्वांट्स छोड़ा है तो इसमें आरसी, पैरा जंबल्स एंड वोकैब. तुम्हें लगता है कि इसमें तुम्हें 100% मार्क्स आने वाले हैं? You will never be able to do that. See, skipping a section is the wrong way to target the exam. If you are aiming at the top colleges, if you are aiming at some third tier colleges, जिसमें तुम्हें negative ROI मिलेगा, तुम fees 10 lakh भरोगे, तुम्हें return मिलेगा 4 lakh, 5 lakh का salary. अगर वैसा कुछ जाना है तो फिर ठीक है. But if you are aiming at JBIMS, then this will not work. You need to make sure, and you should have a teacher who will tell you how to do, how to improve your weak parts. So I have students जिनका English weak है, मैं उनको English सुधारने के लिए बोलता हूँ, कैसे करना है सब बोलता हूँ. मेरे पास students है जो Maths में weak है, मैं उनको Maths कैसे सुधारना वो बोलता हूँ. But you must know how to make sure that you are strong in all sections. सारे sections strong करने पड़ेंगे अगर तुम्हें top college जाना है तो. So yes, so you can never, never, never skip a section because you will not have 100% accuracy in the other sections. And the last and the sin that you are making, the biggest sin that you can make is inept mock analysis. लोग क्या करते हैं पता है? A mock is of 2.5 hours.
लोगों का 1 आवर में एनालिसिस हो जाता है. बिकॉज यू नो वॉट, वो एनालाइज कैसे करते हैं? दे एनालाइज जस्ट बाय सीइंग क्या गलत है क्या सही है. बस देख लिया, एनालिसिस हो गया, मेरा हो गया. दैट इज द वर्स्ट थिंग टू डू. वॉट यू आर डूइंग इज जस्ट सॉल्विंग फ्रॉम अ बुक. क्या ही फर्क पड़ता है अगर तुमने बुक से ही सॉल्व कर, बुक में टाइमर लगा के सॉल्व करो ना. तुम एनालिसिस वेस्ट कर रहे हो अगर तुम पूरी मॉक वेस्ट कर रहे हो, अगर तुम एनालाइज बराबर नहीं कर रहे. एनालाइज करने के लिए तुम्हें प्रॉपर पता होना चाहिए दैट तुम्हारे वो सेक्शन में, तुम्हारे वो टेस्ट में कितना एमपीएम आया. तुम्हें पता होना चाहिए दैट वो सेक्शन में तुमने एक्यूरेसी कितना किया. यू शुड नो हाउ टू मिक्स एंड मैच, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट सेक्शंस. अगर मेरा ये सेक्शन में एमपीएम इतना गया तो मैं इसमें नेक्स्ट टाइम इतना करूंगा. अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस यू आर गोइंग टू मेक योर मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी. एंड अगर तुम वो नहीं कर रहे तो तुम एनालिसिस कर ही नहीं रहे हो, तुम सिर्फ टाइम पास कर रहे हो. दैट इज वाई आई हैव अ फुल ऑन. मेरे पास व्हेन आई द स्टूडेंट्स ऑफ माइंड दे डोंट जस्ट गेट अ मॉक टेस्ट एनालिसिस शीट. उनके पास सिर्फ मॉक टेस्ट एनालिसिस नहीं होता. एनालिसिस इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज डेली एंड अदर वन इज मॉक टेस्ट. योर डेली विल फीड योर मॉक टेस्ट. तुम्हें पता होना चाहिए जो तुम रोज करने वाले हो वो तुम्हारा मॉक टेस्ट फीड करेगा. एंड फ्रॉम योर मॉक टेस्ट यू विल अकॉर्डिंगली चेंज योर डेली प्रैक्टिस. तुम्हारे पास एक टाइम टेबल मैं दूंगा जो प्रॉपर बना के होगा कि तुम्हें इस मॉक में जो तुम्हारा हुआ उस हिसाब से तुम अगले टाइम क्या चेंज करोगे, वॉट विल यू चेंज, वॉट विल यू मेक श्योर, अगले 4 दिन क्या पढ़ोगे सो दैट तुम्हारा नेक्स्ट मॉक अच्छा जाएगा. ऐसे करके तो तुम मॉक्स में इंप्रूव होगे. इफ नॉट देन यू आर जस्ट टेकिंग मॉक्स एंड वेस्टिंग मॉक्स. इसीलिए लोग 60-70-80 मॉक्स लेते हैं बट जेबीएमएस जाते नहीं है, क्योंकि वो लोग पागल की तरह मॉक्स दे रहे हैं सिर्फ एंड एनालिसिस कुछ नहीं कर रहे. एनालिसिस इज द की टू योर प्रिपरेशन. इफ यू गाइज आर नॉट डूइंग इट देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम. सो गाइज दीज आर फाइव बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट मोस्ट स्टूडेंट मेक. आई विल अगेन जस्ट रीआइटरेट दैट वी हैव अ कूपन कोड दैट इज रनिंग राइट नाउ एंड द कूपन कोड इज ओनली सीईटी. This is only till 15th April. I can't do it more than that. And this is the last coupon code that I'm giving. Iske upar kuch nahi milega. So that's 1,000 rupees off on all full packages. You guys can use it. And I really hope to see you guys because I want to see you guys at JBIMS just like my other students have. Okay? Bye guys.